हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम व्यूअर्स। तो आज जो है क्लास 6 क्लास होगी वर्ड टी की, है ना। वर्ड टी की 6 क्लास। जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग, टाइम से जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। डॉक्टर जेएम इंग्लिश क्लासेस, आज इसकी जो है लगभग सारे वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। कल द हिंदू के कुछ न्यूज़पेपर वर्ड हैं और किसी न्यूज़ के न्यूज़पेपर वर्ड, उसको आप लोगों को करा के फिर वर्ड टी का प्रैक्टिस सेट कराना है ना। वर्ड टी का फिर जो है प्रैक्टिस कराना है आप लोगों को, फिर प्रैक्टिस कराने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा परसों। ठीक, कल ही हो जाएगा लगभग। प्रैक्टिस परसों होगी, है ना। वर्ड कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा और प्रैक्टिस परसों होगी। ठीक, तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाओ। डॉक्टर जेएम इंग्लिश क्लासेस, देखो रूबी जी हमारे जुड़ गई। हेलो डॉक्टर साहब हमारे जुड़ गए, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम से। ठीक, देखो केवीएस की वैकेंसी का सबको इंतज़ार था, वो वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो अब, जिसमें अपीयरिंग वालों को इस बार जो है मौका नहीं दिया है। अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। जिनका जो सीटेट अपीयर हो रहे हैं, बाकी जो लोग बीएड कर रखे हों टीजीटी पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। देखो विपिन जी हमारे जुड़ गए, गुड आफ्टरनून। टीजीटी पीजीटी की जो जिनका बीएड कंप्लीट है वो लोग भर सकते हैं। बड़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कीजिए। 13,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत सालों बाद आई है इतनी बड़ी वैकेंसी। कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है आज? कीर्तिवर्धन गुड आफ्टरनून। अपीयर्स में नहीं है, हाँ अपीयरिंग वाले इस बार नहीं अप्लाई कर सकते। जो सीटेट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए नहीं है, बाकी जिनका बीएड कंप्लीट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएड अपीयरिंग वालों को भी मौका नहीं दिया है। एक बार आप लोग फिर भी पढ़ लीजिएगा, मेरे पढ़ने में यही आ रहा था। हाँ मेरे पढ़ने में यही आ रहा था, आप लोग एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, हाँ आपका तो बीएड वाले टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं वो लोग और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए लगभग 4000+ पोस्ट है। ट्रैम ट्रैम्पल ट्रेंस कौन सा वर्ड है? ट्रांसपायर। तो नेक्स्ट वर्ड आज हमारा है ट्रांसपायर। अच्छा ट्रांसम्यूट, हाँ ट्रांसम्यूट तक हो चुका था। देखो सब लोग सबको पता है जो लोग रेगुलर व्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपायर, है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपायर से। खूब वैकेंसी आएंगी इस साल, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी। अभी देखो बस 2-4 दिन के अंदर ही वैकेंसी आ रही है उसकी, क्या नाम है, 10+2 की है। जो सेंट्रल सेक्रेटरी वगैरह में जो क्लर्क वगैरह होते हैं उनके लिए वैकेंसी आ रही, बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी खूब आएंगी। उसके बाद एसबीआई पीओ की वैकेंसी, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, और भी तरह तरह की वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत है इस साल, है ना। खूब, चूँकि चुनावी वर्ष है, वैकेंसी खूब आएंगी। आप लोग खूब तैयारी करते रहो, अच्छे से खूब पढ़ते रहो। जिनका बीएड है उनके लिए और फ़ायदा, नहीं है तो भी बहुत वैकेंसी है उनके लिए। चलो आज का फर्स्ट वर्ड है, चैनल को खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो सुधांशु जी हमारे जुड़ गए। आज का फर्स्ट वर्ड है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर, ट्रांसपायर का मतलब होता है हिंदी में पता चलना या मालूम होना। क्या होता है? पता चलना या मालूम होना। कोई चीज़ पता चल जाए अच्छे से, पता चलना, मालूम होना, मालूम होना, है ना। पता चलना या मालूम होना, ठीक। ट्रांसपायर, to become known, to be shown to be true, it transpired that the gang had ये contact. देखो बहुत अच्छा sentence, पहले ही आप लोग देखो फंस गए. The gang had a contact inside in the bank. चलो बताओ आप लोग, ये had लिखा है ना, had लिखा है ना. आप लोगों को बताया था ना कि had कहाँ यूज होता है. आवाज़ क्लियर आ रही है? कैन यू हियर मी? वॉइस क्लियर हो रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है एकदम? चलो तो देखो यहाँ पे हैड है ना. आप लोग बताओ, देखो आप लोग 10th की क्लास किए हो, आप लोग बताओ द गैंग हैड ए कॉन्टैक्ट इनसाइड इन द बैंक, ये हैड का यूज क्यों किया गया? देखो यहाँ पे आया ना हैड. आपसे बताए थे ना कि न्यूज़पेपर में ऐसे खूब लिखा रहता है हैड और हैव खूब लिखा रहता है. बताओ यहाँ पे इसका यूज ध्यान करके बताओ. ट्रांसपायर है ना, तो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? पता चलना या मालूम होना. पता चलना या मालूम होना, ट्रांसपायर है ना. देखो ये रूट्स टेक वाटर फ्रॉम द साउल, ये सब ट्रांसपायर हो चुकी हैं चीज़ें, है ना. कितना अच्छा चीज़ है. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसपायर होते हैं. यहाँ पे लिखिए ट्रांसपेरेंसी से, चीज़ें ट्रांसपायर होती हैं. चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसपायर होती हैं. ठीक, ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसपायर होती हैं, है ना. ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसपायर होती हैं. अच्छा, क्लियर है, चलो सही. ठीक, बताया नहीं कोई कमेंट करके कि हैड कहाँ लगता है. बताए थे आप लोगों के ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर इम्फेटिक सेंटेंस है तो हैड का यूज किया जाता है. किसका? हैड का यूज किया जाता है. समझ में आई बात? ट्रैवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रैवल. ट्रैवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. ट्रैवल है ना. ट्रैवल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, है ना. बहुत ज़्यादा मेहनत करना, घोर श्रम करना. क्या करना? घोर श्रम करना, है ना. ट्रैवल, घोर श्रम करना, कड़ी मेहनत करना, है ना. ट्रैवल, कड़ी मेहनत करना. इसका यूज कैसे किया जाता है? ट्रैवल का यूज कैसे होगा? एज ए नाउन. इसका यूज होता है एज ए नाउन. ट्रैवल का यूज कैसे होता है? एज ए नाउन. तो देखिए यहाँ पे ट्रैवल एजेंट के चक्कर में पड़ के इनका ट्रैवल कैसा हो गया? देखो ट्रैवल से क्या मिला? ट्रैवल से क्या मिला? ट्रैवल. देखो ये खड़े हैं बेचारे सब लोग, है ना. तो ट्रैवल एजेंट के चक्कर में पड़कर ट्रैवल ट्रवेल हो गया. देखो होता क्या है ना, कभी कभी जब होली दीपावली का सीज़न आता है ना, तो जो एजेंट होते हैं खूब धड़ाधड़ टिकट बेचते हैं. किसी के नाम पे किसी को टिकट दे देंगे. नाम आपका है मोहित, बना देंगे रोहित का टिकट. जल्दी जल्दी टिकट सब लोग लेने के चक्कर में आधे अधूरे पैसे दे के सब लोग ले लेते हैं, है ना. होता क्या है, वहाँ गए टीटी पूछा रोहित कहाँ, पता चले मोहित बैठे हैं. तो दिक्कत हो जाती है. तो आदमी को क्या करना पड़ता है? खड़े होकर जाना पड़ता है या कहीं जनरल ओनर में जर्नी करनी पड़ेगी, पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी. तो इसे बोलते हैं ट्रैवल, हैं. ट्रबेल का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मेहनत करना, खूब कड़ी मेहनत करना. ये डिफ़िकल्ट आर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस आर सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एफर्ट. बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. डिफ़िकल्टी एंड सफरिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. ग्रैफ्ट, टॉयल. आयल को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टॉयल करना पड़ता है. टी में बताए थे टॉयल, ध्यान है आप लोगों को? टॉयल टी में पढ़ाए थे. आयल को निकालने के लिए टॉयल करना पड़ता है, खूब मेहनत करना है ना. और ड्रज, दर्जी जी का काम कैसा है? ड्रज है, बहुत मेहनती काम है. ठीक, दर्जी का काम कैसा है? ड्रज है, बहुत मेहनती काम है ना. ट्रबेल, क्लियर है ट्रबेल? देखो यहाँ पे देखो कैसे यूज हुआ है इसका. द ट्रबेल्स ऑफ इंग्लिश स्पिनर्स इन ऑस्ट्रेलिया. देखो यहाँ पे यूज हुआ है द ट्रवेल्स ऑफ इंग्लिश स्पिनर्स इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया हैज बीन ए क्रूअल एंड अनफॉरगिविंग प्लेस फॉर इंग्लिश टॉयलेस इन द लास्ट 30 ईयर्स. है ना, बहुत अजीब प्लेस हो गया इंग्लिश के लिए. विल दैट चेंज दिस एसेस टूअर, है ना. जो इंग्लिश प्लेयर है ना उनके लिए जो है बड़ा दिक्कत हो गया है. ठीक, ट्रवेल हो गया है. इंग्लिश प्लेयर मतलब जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है वहाँ का टूर कैसा हो गया है? ट्रवेल हो गया है, बहुत घोर परिश्रम से भर गया है ना. ट्रवेल, ट्रेवर्स. नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रेवर्स. ट्रेवर्स का मतलब होता है ना कोई चीज़ पार करके चले जाना, तैर करके या पार करके चले जाना, है ना. तैर करना, जैसे कोई रिवर है उसको पार करके चले जाओ, आर पार करना. हिंदी में क्या इसका मीनिंग होता है? ये देखो, ये वाला जो वर्ड लिख रहा हूँ क्लियर हो रहा है कि बदल लूँ इसको? आर पार करना. ये राइटिंग क्लियर हो रही है कि कलर इसका चेंज कर लूँ, रेड कर लूँ या कोई और कलर कर लूँ? आर पार करना, ट्रेवर्स. तो देखिए ट्रेवर्स यहाँ से क्या मिला? 2-3 बार बोलो ट्रेवर्स ट्रेवर्स ट्रेवर्स. तो रिवर को पार करके ट्रेवर्स करते हैं. क्या करते हैं? रिवर्स को पार करके ट्रेवर्स करते हैं. क्या करते हैं? ट्रेवर्स करते हैं, है ना. पार करना. इसका यूज कैसे होता है ट्रेवर्स का? ट्रेवर्स का यूज होता है एज ए नाउन और वर्ब, दोनों तरह से इसका यूज होता है. ट्रेवर्स का नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है. ट्रेवर्स, है ना. ट्रेवर्स का मतलब होता है पार कर जाना. टू क्रॉस आर ट्रेवल थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड आर वाटर. कोई ज़मीन हो या कोई पानी का एरिया हो जिसे आप पार कर सकते हो. ठीक, ट्रेवर्स. देखो यहाँ पे ये पार कर रहे हैं, ट्रेवर्स, है ना. नदी को पार करना. आज देखो जो लोग न्यूज़पेपर आज का पढ़े होंगे, देखो उसमें एक बड़ा अच्छा सा ऊपर ही एक लाइन आई है. आफ्टर हाई पिस्ट देखो वहाँ पे एक लाइन आई है, आप लोग ध्यान से देखो. आफ्टर हाई, पिस्ट कैंपेन दिल्ली सिविक पोल ड्रा ए टेपिड. दिल्ली सिविक पोल ड्रा ए टेपिड. क्या है? टेपिड रिस्पॉन्स. टेपिड रिस्पॉन्स, है ना. चलिए बताइए आप लोग, अभी टी में मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया है टेपिड. टी वर्ड जो है अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया है टेपिड. देखो आज द हिंदू की ना हेडिंग में है, 3rd-4th हेडिंग है आज के न्यूज़पेपर में जो दिल्ली में द हिंदू आता है उसके. आफ्टर द हाई पिच्ड कैंपेन बहुत तगड़ा कैंपेन हुआ दिल्ली में, किस लिए? जो सिविक पोल हो रहे हैं, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा है? टेपिड रिस्पॉन्स है, टेपिड। चलो सब लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या हुआ, टेपिड रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? इतना अच्छे से टेपिड बताए, बताओ रूबी जी, बताओ भाई सब लोग, विपिन जी बताओ, सब लोग बताओ फटाफट, देखें आप लोग पेपर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। टेपिड रिस्पॉन्स, टेपिड रिस्पॉन्स इसका मतलब क्या है? सब लोग बताओ फटाफट, बताओ देखते हैं। टेपिड रिस्पॉन्स नेक्स्ट वर्ड है, देखो इसका यूज देखो आप लोग, व्हाट डज इट टेक टू ट्रेवर्स, देखो यहाँ पे ट्रेवर्स, व्हाट डज इट टेक टू ट्रेवर्स, पार करके चले जाना, कितना? 1000 मील्स ऑन नेपाल्स ग्रेट हिमालय ट्रेल, है ना, 1000 किलोमीटर पार करके जा रही है। सेम गैस इज फाइंडिंग आउट, है ना, ट्रेवर्स कर रही है 1000 किलोमीटर। गुनगुना, हाँ गुनगुना तो होता है, लेकिन यहाँ क्या मतलब है? टेपिड रिस्पॉन्स, टेपिड रिस्पॉन्स, गुनगुना। गुनगुना का मतलब क्या है कि जितना जोश में लोगों ने कैंपेन किया ना कि खूब ज़्यादा वोटिंग होगी, उपेंद्र जी जय हिंद, जितना जोश में कैंपेनिंग हुई उसके कंपेरिजन में जो वोट पोल हुआ ना वो कम हुआ, तो टेपिड रिस्पॉन्स है, बहुत जोशीला रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक, जो पढ़ाए थे ना ल्यूकवार्म गुनगुना, हाँ सही है, सही है, ल्यूकवार्म गुनगुना, है ना। लेकिन जो टैपिड रिस्पॉन्स है ना, टैपिड रिस्पॉन्स मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आया, है ना। टैपिड रिस्पॉन्स क्या है? टैपिड रिस्पॉन्स इसका मतलब क्या है? टैपिड रिस्पॉन्स का मतलब ये है ना कि जो रिस्पॉन्स आया, वोटिंग का जो रिस्पॉन्स आया ना, वो जितना चाह रहे थे उतना ज़्यादा नहीं आया, है ना। क्या है? टैपिड रिस्पॉन्स। प्रशांत पंडित, वाह, गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, हमारे जुड़ गए, बालक लोग हैं ये सब हमारे। चलो अच्छा, खूब मेहनत से पढ़ो, है ना। टैपिड रिस्पॉन्स आया, कैसा रिस्पॉन्स आया? टैपिड, जितना वोटिंग होनी चाहिए थी। फिर पिछली बार प्रशांत जी हमारे बीटेक कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, बहुत मेहनती लड़के हैं सब लोग। फीकी प्रक्रिया, हाँ जे सही लिखा, वही टैपिड रिस्पॉन्स है ना। बड़े अच्छे स्टूडेंट सब लोग, बड़े मेहनती लोग हैं, खूब अच्छे से पढ़ो आप लोग भैया लोग, हाँ फ्यूचर हो तुम ही हम लोगों के घर के। हाँ तो क्या है? टैपिड रिस्पॉन्स है ना। रिस्पॉन्स कैसा आया? टैपिड, बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट वर्ड है ट्रीड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रीड। देखो ऐसे ही वर्ड ना न्यूज़पेपर में आएंगे, आप लोग पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जब उसको पढ़ोगे ना नीचे पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टैपिड कैसे लगाया इसने, है ना। एप्लीकेशन इसीलिए मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ वर्ड का, कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आए। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीड। ट्रीड का मतलब होता है ना किसी चीज़ को दबा देना। ट्रीड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दबा देना, कुचलना किसी चीज़ को, है ना। क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को कुचलना, कुचलना। बहुत अच्छी पीपीटी बनी है भाई, बड़ी खूबसूरत, तारीफ के काबिल है। देखो अच्छी लग रही पीपीटी आप लोगों को? एक बार बताओ भाई कमेंट करके, रोज़ रोज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे घर के लोग हैं। ट्रीड, तो बुक को क्या करना है? रीड करना है कि ट्रीड करना है? आप लोग बताओ पहले, बुक को पढ़ना है कि क्या करना है? बुक को रीड करना है कि ट्रीड करना है? यहाँ देखो मुखर्जी नगर में ना दो टाइप के लोग हैं, एक तो स्टूडेंट हैं जो बुक को ऐसे पैर छूते हैं, बुक का प्रणाम करते हैं, पढ़ते हैं खूब मेहनत से, तीखी प्रतिक्रिया, है ना, खूब जो है प्रणाम करते हैं बुक को। और यहाँ फोटो स्टेट वाले और लोग हैं, वो कापी किताबों के ऊपर चल के जाते हैं, से पैदल पैदल उसी के ऊपर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इतनी जगह कम है, इतनी किताबें करें तो क्या करें वो, उन्हें कोई पढ़ना तो है नहीं, उन्हें केवल बेचना ही बेचना है, हाँ। अरे वाह भाई इनको पीपीटी सुंदर लग गई विपिन जी को, चलो अच्छी बात है, हाँ कमेंडेबल हैं ये लोग, हैं तारीफ के काबिल हैं। क्या है? हाँ पढ़ना है, ट्रीड। तो रीड द बुक, बुक को क्या करना है? यहाँ पे लिखिए रीड द बुक, रीड द बुक, डोंट Don't read the book, Don't read the book, है ना, उसको कुचलो नहीं बुक को, उस बुक को क्या करो, पढ़ो आप लोग, रीड द बुक, डोंट ट्रीट द बुक, बुक को कुचलो नहीं, दबाओ नहीं बुक को, है ना, बुक को कुचलो नहीं, बुक को दबाओ नहीं, है ना, रीड द बुक, डोंट ट्रीट द बुक, टू पुट योर फूट डाउन व्हाइल यू आर वॉकिंग, डोंट रीच इन द पडल, अपने पैरों के नीचे से दबा देना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीटिस, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रीटिस। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से आप लोग एक बार देख लेना, ट्रीटिस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ट्रीटिस, क्या है ये, ट्रीटिस। इसका यूज कैसे करते हैं ट्रीटिस का, ट्रीटिस का यूज एज ए नाउन की तरह होता है इसका यूज, ट्रीटिस का यूज कैसे होता है, ट्रीटिस का यूज एज ए नाउन की तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है, नाउन, देखो यहाँ पे लिखा है ना डिजर्टेशन, डिजर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक कोई लेख लिखना, बड़ा लेख कोई हो उसको डिजर्टेशन बोलते हैं, है ना, डिजर्ट में स्टेशन खोलना, डी में आएगा डिजर्टेशन, लेख, प्रबंध, निबंध, कुछ भी लिख सकते हो, लेख, प्रबंध, निबंध, लेख, प्रबंध, निबंध, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रीटिस, TREATISE, ट्रीटिस, है ना, लेख, प्रबंध, निबंध, ट्रीटिस। डिपोर्टेशन, डिस्कोर्स, तो ट्रीटिस से क्या निकल के आया, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो बुक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, की बुक पर ट्रीटिस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ट्रीटिस लिख रहे हैं, ठीक। मेडिकल ट्रीटमेंट की बुक पर क्या लिख रहे हैं, ट्रीटिस लिख रहे हैं, एक निबंध लिख रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की बुक पर क्या लिख रहे हैं, ट्रीटिस लिख रहे हैं, एक निबंध लिख रहे हैं, ठीक। समझ में आई बात आप लोगों के, ट्रीटिस, डिजर्टेशन, लेख, प्रबंध, निबंध। चलो आप लोगों को एक स्टोरी अच्छी सी सुनाते हैं, बहुत प्यारी सी स्टोरी, आप लोग ध्यान से सुनिए स्टोरी को। स्टोरी क्या है, एक विचार आपकी जिंदगी और दुनिया बदल सकती है। क्या है स्टोरी, एक विचार जो है वो आपकी जिंदगी और दुनिया बदल सकती है। होता क्या है, एक कुम्हार रहता है और वो एक दिन ना अपनी मिट्टी को खूब रौंद के बना के और चिलम बनाने लगता है। कुम्हार जो है चिलम बनाने लगता है, चिलम बना रहा होता है, तब तक उसकी पत्नी आती है, कहती है क्या कर रहे हो आप, तो कह रहा है मैं चिलम बना रहा हूँ। तो कह रही क्यों, कह रहा अरे आजकल बड़ा ट्रेंड में है, ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, लोग खरीदेंगे, मुझे पैसा मिलेगा। तो वो कह रही है अरे एक मिट्टी का घड़ा बनाओ, मिट्टी का घड़ा बना लो, गर्मी का महीना आ रहा है धीरे धीरे, खूब बिकेगा, घड़ा बना लो खूब बिकेगा ये भी। उसने कुछ देर सोचा, कह रहा सही कह रही है, लाओ मिट्टी का घड़ा ही बनाए, इसको भी खूब बेचेंगे। मिट्टी को फिर उसने अपना रौदा बनाया, मिट्टी को, और घड़ा बनाने लगा, मिट्टी को रौद के घड़ा बनाने लगा। कुछ देर बाद मिट्टी से आवाज़ आई, अरे क्या कर रहा है, अरे भाई कुम्हार तू ये क्या कर रहा है। उसने कहा अरे मैं घड़ा बना रहा हूँ। तो कहा कि क्यों घड़ा बना रहे हो, तो कहा कि अभी तो आप वो चिलम बना रहे थे। तो कहा मैं घड़ा इसलिए बना रहा हूँ चूँकि मेरा विचार बदल गया। उसने क्या कहा, मेरा विचार बदल गया। कहा अरे तुम्हारे विचार बदलने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर तुम चिलम बनाते तो लोग उसमें आग भरते, मैं खुद जलती और लोगों को जलाती। लोग उसमें आग भरते और मैं खुद जलती और लोगों को जलाती, और आज तुमने घड़ा बना के मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं, मेरे में पानी भरा जाएगा, मैं खुद शीतल होंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। समझे ना। तो व्यक्ति का विचार बदलने से उसका सब कुछ बदल जाता है। इसलिए विचार को परमानेंट पॉजिटिव रखिए, अच्छे से पॉजिटिव होके खुश होके अपना काम करते रहिए, है ना। ये था मतलब इसका, विचार को पॉजिटिव रखिए और जो है मस्त होके अपना काम करते रहिए। ठीक, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, ट्रेमर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिमर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिमर। ट्रिमर का मतलब होता है, अरे अच्छी स्टोरी लगी सबको। तो विचार को अपने पॉजिटिव रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमर। ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है ना, जो अर्थक्वेक नहीं आते, थोड़ा कम स्पीड का जो अर्थक्वेक होता है उसे ट्रेमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेमर। जो जिसमें कम स्पीड होती है, जो कम हार्मफुल होते हैं, ऐसे अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, ट्रेमर। जो लोग सेविंग वगैरह करते हैं, गुर 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 होता है, वो भी लोग ट्रिमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिमर। वही चीज़ है, लेकिन ये अर्थक्वेक होता है, इसके भी झटके होते हैं लेकिन कम नुकसान करता है। ये जो दूसरा वाला अर्थक्वेक होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक, इसे बोलते हैं ट्रेमर। कप कपी। क्या बोलते हैं, कप कपी। थर थराहट। कप कपी या थर थराहट बोलते हैं इसे, ट्रेमर, है ना। ट्रेमर, देखो ये है ट्रेमर, है ना, ट्रेमर। तो यहाँ से देखो, ट्रेमर में 3 लोग मर गए। क्या हो गया, 3 लोग मर गए ट्रेमर में। 3 लोग मर गए ट्रेमर आने पर। 3 लोग मर गए ट्रेमर से। किससे, ट्रेमर से। जब ट्रेमर आया तो क्या हुआ, देखो ये छोटे छोटे मकान सब, जो थोड़ा सा वीक टाइप के मकान थे, वो सब क्या हो गए, गिर गए ट्रेमर से। 3 लोग क्या हो गया, मर गए, है ना, ट्रेमर। ये स्लाइड शेकिंग मूवमेंट एन अर्थ ट्रेमर। ये स्मॉल अर्थक्वेक। क्या है ये, ये स्मॉल अर्थक्वेक। ट्रिकल, क्वीबर, शडर। शडर मतलब डर से कांप रहे हैं ये लोग। शडर, डर से कांप रहे हैं। ट्रेमर, कांपना, थरथराना। देखो श्यूमोगा, अर्थक्वेक ट्रेमर्स वेयर। देखो यहाँ पे है ना, अर्थक्वेक ट्रेमर। अर्थक्वेक कैसा था, ट्रेमर टाइप का था, धीरे धीरे कपा देने वाला। वेयर रिपोर्टेडली फेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ शिकारीपुरा। यह तलक हियर इन द अर्ली आवर्स ऑफ अक्टूबर। 6 अक्टूबर को शिकारीपुरा में आया था ये ट्रिमर, है ना, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, कुछ नुकसान होता है ना। इसे बोलते हैं ट्रेमर। क्या बोलते हैं, ट्रेमर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमुलस. नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रेमुलस. ट्रेमुलस. नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमुलस. ये अपने एंड के कगार की तरफ है, ज़्यादा वर्ड बचा नहीं है इसमें. कल जो है वर्ड टी कंप्लीट हो जाएगा. कल वर्ड टी कंप्लीट हो जाएगा और कल इसका न्यूज़पेपर वर्ड जो सिंपल है वो भी करा दूंगा. फिर एक लेक्चर इसका बचेगा जो प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ. उसके बाद कोई नया वर्ड स्टार्ट होगा, है ना. तो क्या है ट्रेमुलस. देखो ये ट्रेमुलस, काँप रहे हैं लोग. क्या कर रहे हैं? काँप रहे हैं. थरथराहट है इन लोगों को, है ना. ट्रेमुलस, काँपता हुआ. क्या बोलते हैं इनको? काँपता हुआ. ट्रेमुलस. काँपता हुआ. ट्रेमुलस. एक पार्टी है पश्चिम बंगाल की, आप लोग नाम जानते होंगे, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी. टीएमसी का नाम आप लोग जानते नहीं जानते? टीएमसी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस. तो यहाँ से देखो वो निकल के आया ट्रेमुलस. ट्रेमुलस. तो तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी के सामने क्या करते हैं? ट्रेमुलस करते हैं. तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी के सामने ट्रेमुलस करते हैं, कांपते हैं. थरथराहट इनके अंदर रहती है. देखो ये कांप रहे हैं सब लोग. लिख लो आप लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी के सामने ट्रेमुलस करते हैं. क्या करते हैं? ट्रेमुलस. तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी के सामने ट्रेमुलस करते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं, है ना. ट्रेमुलस. शेकिंग स्लाइटली बिकॉज यू आर नर्वस. ये ट्रेमुलस वॉइस स्माइल. क्या है ये? ट्रेमुलस वॉइस अथवा स्माइल है. क्विबर, ट्रेम्बलिंग, है ना. द ट्रेमुलस हैंड ऑफ वार्सेस्टर अनफर्लिंग द मेडिकल मिस्ट्री ऑफ ए मेडुअल स्क्राइब. देखो एस में आएगा एक वर्ड स्क्राइब. एस में आएगा स्क्राइब. बिंदी बिंदी से कोई चीज़ आगे करना, बढ़ाना. ट्रेमुलस, है ना. कांपना, थरथराना. क्लियर हो रहा है आप लोगों को? वर्ड एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? अच्छा, जो कंजंक्शन में बताए थे कि आप लोग इसको रिपीट कर लेना, सब लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रूबी जी वो जो बताए थे आपको ना, क्या आपने क्लास नहीं लिया था, उसको देख लेना. एक टॉपिक है प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज. और जो लोग व्यूअर्स हैं उस सब लोग, चूँकि आगे के 3-4 चैप्टर में ना उसका बड़ा यूज है, इसलिए उसको देखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए. इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जब सिंटैक्स चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को ना, कौन सा चैप्टर? सिंटैक्स. तो सिंटैक्स चैप्टर में ना वो आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा सब्जेक्ट ढूंढने में. जब नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन ढूंढने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा. इसलिए उसको आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, देख लेना चैनल पे कि क्या उसमें है. सेकेंड लेक्चर में उसको पढ़ाए थे, है ना. नेक्स्ट वर्ड है ट्रेंचेंट. क्या है? ट्रेंचेंट. इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन ना समझ में आए ना तो लिख लिया करो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना. ट्रेंचेंट बोलने के लिए नहीं, जब गलत बोलोगे ना तो दिक्कत होगी फिर, है ना. ट्रेंचेंट. क्या है? ट्रेंचेंट. ट्रेंचेंट का मतलब होता है ना बड़ा क्लियर सा, स्पष्ट. क्या मीनिंग होता है? स्पष्ट, सुप्रकाश, एकदम क्लियर. ट्रेंचेंट, सुप्रकाश. अच्छा, समझ में आया था? प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज अच्छे से देख के समझ लेना, ठीक. बहुत आगे बहुत काम आएगा. ट्रेंचेंट. तो ट्रेन में चैट करते वक्त क्या करते हैं? ट्रेन में चैट करते समय अपनी बात को ट्रेंचेंट तरीके से रखते हैं, ट्रेंचेंट तरीके से रखते हैं। क्या करते हैं? ट्रेंचेंट तरीके से रखते हैं। ये लोग है ना, जब ये लोग ट्रेन में चैट करते हैं तो क्या बहुत आजकल तो ज़माना है कि मतलब एक सेकंड लोग मोबाइल हाथ से नहीं रखते। मोटरसाइकिल चलाएंगे, पीछे बैठे रहेगा, वो भी देखता रहेगा। कहीं कार में है तो मोबाइल बंद ही नहीं होनी। ट्रेन में तो मतलब एक अच्छा अड्डा है, आराम से बैठे मोबाइल स्टार्ट। तो जब ट्रेन से चैट करते हैं तो अपने पॉइंट को बड़े स्पष्ट तरीके से रखते हैं, एकदम क्लियर करके रखते हैं। तो क्या है ये? ट्रेंचेंट है ना, ट्रेंचेंट। ट्रेन में चैट करते वक्त अपनी पॉइंट को ट्रेंचेंट तरीके से रखते हैं, है ना, एकदम स्पष्ट तरीके से। ठीक, देखो यहाँ पे, ऑफ क्रिटिसिज्म रिमार्क्स ईटीसी एक्सप्रेस स्ट्रांगली एंड इफेक्टिवली इन ए क्लियर वे, हिज ट्रेंचेंट व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर वेल नोन। कैसा है? वेल नोन है, इनका व्यूज जो है ट्रेंचेंट, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है ना कि कोई ऐसा काम जिसको करने से पहले आपको डर लगे, उसे क्या बोलते हैं? कोई ऐसा काम जिसको करने से पहले आपको डर लगे, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेपिडेशन। कोई घबराहट, 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 थरथरी बोलते हैं इसको, थरथरी, घबराहट, थरथरी। ऐसा काम, ऐसा काम जिसको करने से आपको डर लगे, ऐसा काम जिसको करने से आपको डर लगे उसे बोलते हैं ट्रेपिडेशन, है ना। ये फीलिंग ऑफ फियर दैट काजेड हेजिटेशन, कैसी फीलिंग है? डर है कुछ करने के लिए, एंजाइटी, फियर, फॉरबियर, एप्रीहेंशन, मिसगिविंग, है ना। ये फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी दैट समथिंग में हैपन, कुछ घटित होगा उसको सोच के पहले से डरते हैं, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ भविष्य में घटित होगा इसको सोच के डरे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? ट्रेपिडेशन, TREPIDATION, ट्रेपिडेशन, है ना। तो जैसे कोई बैट्समैन है, मान लो कि वो सोचता है कि अभी हम तेज बैटिंग करेंगे तो आउट हो जाएंगे, डर है उसके दिमाग में, तो वो क्या है? ट्रेपिडेशन है। आपको रैपिड खेलने में परेशानी होती है तो ये क्या है? ट्रेपिडेशन। देखो यहाँ पे, ट्रेपिडेशन, रैपिड। तो रैपिड खेलने में आपको परेशानी है, रैपिड खेलने में आपको, आप ट्रेपिड फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? ट्रेपिड, ट्रेपिड। रैपिड खेलने में क्या फील कर रहे हैं? ट्रेपिड फील कर रहे हैं, ट्रेपिड फील कर रहे हैं। ठीक, डर लग रहा है आपको। अब आजकल जमाना रैपिड खेल का ही है, T20 मैच, IPL, सब में क्या है? रैपिड ही है। जितना तेज बैटिंग करोगे उतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे, ट्रेपिडेशन। तो रैपिड खेलने में क्या है? ट्रेपिडेशन है ना, ट्रेपिडेशन, एंजाइटी, चिंता, भविष्य को लेके सोचते रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रिकल। ट्रिकल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रिकलिंग। क्या है? ट्रिकल, TRICKLE, ट्रिकल, ट्रिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रिकल। इसका यूज कैसे होता है? एज ए वर्ब। देखो कई बार एग्जाम में आया वर्ड, कई बार आया है ना, कई बार आया है, इसलिए इसे जो है कह सकते हो कि ये फिर आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। धीरे धीरे, बूंद बूंद करके गिना, धीरे धीरे, बूंद बूंद करके गिरना, बूंद बूंद करके गिरना, कुछ भी लिख सकते हो ना, स्लो स्पीड में कोई काम हो रहा है उसे बोलते हैं ट्रेपिडेशन। देखो ये कैसे गिर रहा है बूंद, एक एक करके आ रहा है, कितनी सुंदर इमेज है ना। ट्रेपिडेशन यूज अबाउट ए लिक्विड टू फ्लो इन ये थिन लाइन। लिक्विड जो है ऐसे, जैसे मान लो कहीं कहीं वो देखते होंगे ना, जो ये टोटी होती है ना, टोटी बंद कर दो उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम रहती ना, तो एक एक बूंद टपकता रहता है, ऐसे पुट 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 एक एक बूंद गिरता रहता है, वो क्या है, ट्रिकलिंग है। उसे क्या बोलेंगे, ट्रिकलिंग वाटर। यूज अबाउट ए लिक्विड टू फ्लो इन ए थिन लाइन टू गो समवेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली। धीरे धीरे कोई काम करना, धीरे धीरे, है ना। ड्रॉप, ड्रॉप होता ना, ऐसे एक एक बूंद गिरता है, ऐसे ड्रॉप, ट्रिकलिंग करना। ड्रिप, लिम्प, समझ में आया ना। ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप होता ना, ऐसे ऐसे दबाओ तो टप से एक बूंद गिरेगा, है ना। धीरे धीरे करके कोई काम होता है, उसे बोलते हैं क्या, ट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिकल। ट्रिकल डाउन, देखो बड़ा अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर में निकला है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, डेफिनीशन एंड एग्जाम्पल। इसका जो ट्रिकल डाउन है, इसका इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। व्हाट इज द ट्रिकल। द हिंदू में एक पेपर आता है ना, नो योर इंग्लिश, बीच में एक पेज लगाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सचिन जी, जितने भी वोकैब के वर्ड हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाना और उसमें वर्ड बी कंप्लीट हुआ है, ठीक, बी एच एफ, ये वर्ड मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और टी वर्ड इस समय चल रहा है, है ना। CDS, NDA, बैंक या कोई भी एग्ज़ाम, जुडिशरी, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, इससे अच्छे वर्ड आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा, मतलब नहीं आया होगा। ये आप जाके देखना। NDA के, मैं CDS के सारे पेपर यहाँ पे बोर्ड पे कराता हूँ। अभी जो है कल टी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको कराऊँगा टी वर्ड। सचिन जी, सचिन गुज्जर, तो आप जो है सारे वर्ड को देखो, वर्ड टी को प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, और उसके बाद आप NDA का पेपर उठा के देखो। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन NDA और CDS में जो मैं पढ़ाया हूँ उसके बाहर आया है क्या। किसी भी एग्ज़ाम में, मैं जो है पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में मेरे पढ़ाने के बाद अगर वर्ड कोई आया हो, या मेरे पढ़ाने के बाद भी किसी से कोई क्वेश्चन ना हल हो रहा हो, ऑल ओवर इंडिया इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में, तो मुझे आके वो कमेंट करके बताए कि ये वर्ड आया था और मुझसे नहीं हुआ। आप बस देखते जाओ, ये न्यूमेरिक टेक्निक है, और इसको जो है वर्ड को न्यूज़पेपर से लिंक करके पढ़ाया जाता है। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, आप ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखो ध्यान से। पहला बैच जो है ये फ्री ऑफ कास्ट है। 80 डेज वोकेबलरी आपको करनी पड़ेगी, 80 डेज, है ना। एक एक सवा घंटे 80 डेज में पूरा कंप्लीट होगा। 4000 वर्ड हैं, 4000 वर्ड कराऊंगा, जिसमें 3200 वोकैब के वर्ड होंगे, प्योर वोकैब के। 3200 प्योर वोकैब के वर्ड होंगे। बाकी 800 वर्ड जो मुझे थोड़ा न्यूज़पेपर में निकलते हैं, हो सकता है किसी किसी को आता हो सकता है किसी किसी को ना आता हो, मैं उसको अपने हाथ से लिख लेता हूँ। 2009 के बाद से मैंने जो है न्यूज़पेपर पे एनालिसिस करना शुरू किया था, उसको वर्ड कंप्लीट होने के बाद मैं दे देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल लड़कों को आता है, नहीं आता है तो वो भी ज़रूरी है। नहीं, 120 दिन नहीं लगेगा, 80 डेज में हो जाएगा, है ना। अभी 13 तारीख तक शायद SSC CGL का एग्ज़ाम है, उसके बाद क्लास को थोड़ा लंबी करूँगा। कम से कम 1.5 आवर की वोकैब की क्लास होनी चाहिए, जिससे 30-40 वर्ड डेली हो जाए, है ना। और ज़रूरत होगी तो संडे लेकर भी करा दूंगा, वर्ड पूरा हो जाएगा। और ग्रामर भी जो है हफ्ते में 2 दिन कराता हूँ। अभी कुछ टॉपिक कंप्लीट हुई है, आप लोग जाके देखिए। इससे ज़्यादा कंटेंट ऑनलाइन में कहीं नहीं मिलेगा, और ऑफलाइन कोचिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी मुखर्जी नगर में। लेकिन ये बैच पूरा 5 मंथ का है, ग्रामर प्लस वोकैब, इसको मैं कंप्लीट करूंगा ऑनलाइन। ऑफलाइन हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये बैच मैं कंप्लीट करूँगा, ये मेरी प्रॉमिस है और इसे मैं करूँगा, क्योंकि जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं नए बच्चे ना, उनका ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वर्ड है ट्राइडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्राइडेंट। जो भी सीडीएस के स्टूडेंट हैं, मुखर्जी नगर में एक कोचिंग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को, उन्होंने मुझसे 15-20 दिन पहले ही कहा था कि आप मेरे बैनर के तले जो है मेरे एनडीए और सीडीएस के बच्चों को वोकैब पढ़ा दो। एनडीए और सीडीएस की कोचिंग है मुखर्जी नगर में, प्योरली वो सीडीएस और एनडीए का ही पढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे बैनर के तले, मतलब अपना चैनल मैं बंद करके और उनके चैनल पे ये पढ़ा दूँ, मुझे बहुत मतलब अच्छा पेमेंट वगैरह देने कह रहे थे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा हाँ ये हो सकता है कि आपके लड़के फ्री आप कास्ट आके देख लें, लेकिन मैं जो है जो मैं कहाँ हूँ, मैं मतलब मैं थोड़ा बात का बड़ा पक्का हूँ, ऐसे बीच में छोड़ दूँ अच्छा नहीं लगता फिर, है ना। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कहीं कुछ कर लो, लेकिन उसके पहले नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड है ट्राइडेंट। टॉपिक पर आओ आप लोग, देखो फिगर से ही क्लियर हो रहा है ना, देखो तीन दांत है, तीन दांत है ना ट्राइडेंट, तीन दांत, फिगर से क्लियर हो रहा है ना। ट्राइडेंट त्रिशूल होता है, त्रिशूल क्या मतलब होता है? त्रिशूल, त्रिशूल है ना, ट्राइडेंट त्रिशूल। तो ट्राई मतलब तीन और डेंट मतलब डेंटिस्ट दांत, तो तीन दांत वाला क्या है? ट्राइडेंट है, तीन दांत वाला ट्राइडेंट। त्रिशूल कैसा होना चाहिए? जिसमें तीन दांत हो, है ना, तीन दांत वाला ट्राइडेंट। ये जो लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ये न्यूमेरिक टेक्निक है और इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे, है ना। और बाकी जो ये है ना, ये जो है इसको लिखने से क्या होगा कि इसकी मीनिंग क्लियर होगी, मीनिंग। और सिनोनिम्स तो हम कराते ही रहते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप लोग ध्यान से, और जो ना समझ में आए जितने भी व्यूअर्स हैं सब अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, और जो ना समझ में आए ना उसको बहुत बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछा करो कि ये वर्ड समझ में नहीं आया, इसकी लिंक समझ में नहीं आई, इसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आया। जो भी समझ में ना आए बड़े स्पष्ट तरीके से पूछा करो आप लोग, ठीक। तो ट्राइडेंट है, क्या है? ट्राइडेंट, तीन दांत वाला। कैसा है? ट्राइडेंट। ये वीपन यूज्ड इन द पास्ट दैट लुक्स लाइक ए लॉन्ग पोल विथ थ्री शार्प मेटल पॉइंट्स। पहले के ज़माने में ऐसे डंडे में ना बांध दिए जाते थे, भाला को या ऐसे को, जिसमें 2-3 दांत होते थे और बांध के से लंबे से में लगाया जाता था, उसे बोलते हैं ट्राइडेंट। क्लियर हुआ ट्राइडेंट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ट्राइफल। ट्राइफल जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्राइफल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्राइफल, है ना। ट्राइफल TRIFLE ट्राइफल। ट्राइफल का मतलब होता है ना कोई ऐसी बात जिसकी कोई वैल्यू ना हो। जैसे कुछ बातें होती हैं ना कि कोई ध्यान नहीं देता कि अरे छोड़ो यार, जैसे मान लो कोई कह दे कि यार मुखर्जी नगर में चाय बहुत बिकती है, अब क्या कहना हो, दिन भर बिकती है, 10 साल से बिकती है, है ना। या कोई कह दे समोसे गर्म खाना चाहिए, तो अगर कोई कुछ काम कर रहा है ना तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। या कोई कहे ठंडी में चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये सब कौन सी बातें हैं? ट्राइफल बात। खैर समय पे अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर कुछ कहीं बिजी हो कोई आदमी, तो ये सब बातें कैसी बातें हैं? ट्राइफल बातें हैं। हल्की बात क्या है? हल्की बात है। कैसी बात? हल्की बात, है ना, ट्राइफल हल्की बात। तुच्छ बातें, बहुत जिसकी वैल्यू ना हो कोई, है ना। कैसी बातें? हल्की, हल्की बात। कोई तुच्छ वस्तु हो उसको भी ट्राइफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुच्छ वस्तु, है ना, ट्राइफल तुच्छ वस्तु। इसका यूज कैसे होगा? सीडीएस में कई एग्जाम में ना इसकी डायरेक्ट पूछते हैं कि मतलब ये है क्या, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि क्या है, तो उनके लिए ना ये जानना जरूरी है बाकी एसएससी और बैंक में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट वाले नहीं आते है ना। इसका यूज एज ए नाउन होता है, ट्राइफल का यूज कैसे होता है, एज ए नाउन। तो तालिबान, टी से क्या मिला, तालिबान, और राइफल क्या है तालिबान में, ट्राइफल है, घर घर पड़ी रहती है। तालिबान में लिख लो आप लोग, टी से क्या बना, तालिबान। तो तालिबान में राइफल क्या है, एक ट्राइफल चीज़ है, वहाँ के लिए बहुत नॉमिनल चीज़ है ये, लिखो आप लोग, तालिबान में राइफल एक ट्राइफल वस्तु है। क्या है, ट्राइफल वस्तु है, यहाँ पे लिखो, तालिबान में राइफल एक ट्राइफल वस्तु है। लिंक ज़रूर लिख लिया कीजिए आप लोग, बाकी तो मैं पीडीएफ में सब दे ही दूंगा। लिंक इसलिए लिखना जरूरी ना है, लिंक से वर्ड आपको दसियों से याद रहेंगे, 1000 साल। न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी होगी, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आसानी होगी, इसलिए लिंक ज़रूर लिखा कीजिए। लिखने को तो मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन उससे आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो तालिबान में राइफल क्या है, ट्राइफल है, बहुत हल्की चीज़ है, ट्रिवियल है ना, फ्रेगेलिटी। चलो आप लोग बताओ, जितने लोग व्यू कर रहे हो, इसमें मैंने ये एसएससी या बैंक में ये क्वेश्चन आया था, फ्रेगेलिटी, एफ में मैंने कराया था। आप लोग कमेंट करके बताओ फ्रेगेलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेगेलिटी आप भी बताओ, सचिन जी जिनको आता हो सब लोग बताएं। वर्ड एफ में मैंने कराया था इसको, फ्रेगेलिटी, फ्रेगाइल, वर्ड एफ में मैंने कराया था, बताओ आप लोग, फ्रेगाइल बताओ भाई सब लोग, फ्रेगाइल क्या होता है। बहुत इजी वर्ड है, सब लोग फटाफट कमेंट करके बताओ, बताए थे इसको ना, ध्यान है। फ्रेगाइल, इट इज ट्राइफल दैट बी रिसीव एंड 2 emails विद इन 2 weeks अबाउट द वर्ड ट्राइफल। देखो क्या, 2 मेल यूज किए, 2 मेल इन पे रिसीव हुआ है, ये क्या चीज़ है, ट्राइफल है। देखो ये विपिन जी हमारे बता दिए, कमजोर, फ्रेगलिटी, हाँ, छड़भंगुर, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, है ना। ऐसे जो लोग अच्छे से व्यू करते हैं ना, देखो ये कमज़ोर, वाह भाई जो लड़के हमारे जो स्टूडेंट व्यू करते हैं ना, बहुत ही बहादुर, बहुत ही जीनियस लड़के हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक आता है, इनके फीडबैक से ही ना मुझे एनर्जी मिल जाती है। ठीक, जैसे फीडबैक अच्छा आता है, मैं तुरंत फिर से जो है एक अच्छा सा वर्ड है, रेजुवेनेट, रेजुवेनेट बोलते हैं ना, रेजुवेनेट, फिर से यंग हो जाना, फिर से अपने काम के लिए तैयार हो जाना, रेजुवेनेट, रेजुवेनेट। इट इज़ नो ट्राइफल दैट वी रिसीव 2 emails। क्या है ये, एक ट्राइफल चीज़ है, 2 email यूज हो गया, क्या है, 2 email आया एक हफ्ते में, ट्राइफल ही है। विद इन 2 weeks अबाउट द वर्ड ट्राइफल, द फर्स्ट वन केम फ्राम योर लिसनर नेम्ड मैट हु राइट्स। क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, ईमेल आ गया 2 ठो, तो क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं, बहुत हल्की बात है, ट्राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्राइट, TRITE, ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है ना पुराना, बहुत जीर्ण कुछ चीजें हों, पुराना, पुराना जीर्ण, पुराना जीर्ण, ट्राइट, TRITE, पुराना जीर्ण, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्राइट। तो देखो एक चीज़ है ना, जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो 30-40 स्टूडेंट के मुंह से यही निकलता है कि अरे हो नहीं पाया, गड़बड़ हो गया, थोड़ा और पढ़े होते तो और अच्छा हो जाता। ये बड़ी घिसी पिटी बातें हैं, बड़ी पुरानी बातें हैं, ठीक है ना, पुरानी बात। या जब कापी जमा होनी होती है ना, मेरे साथ भी होता था सबके साथ होता है, जब कापी जमा होनी होती है ऐसे लगता है अगर 1 मिनट मिल जाए तो मैं आज अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, ऐसे लगता है। उस समय मैं एक बार इलाहाबाद में एग्ज़ाम हो रहा था मेरा, अक्सर इलाहाबाद सेंटर डालता था मैं, चूँकि शुरू से बड़ा लगाव है इलाहाबाद से, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, इलाहाबाद में रहता, खैर शुरू से दिल्ली में ही हूँ, करीब 2009 से, लेकिन इलाहाबाद से विशेष प्रेम और विशेष लगाव जो है रहा है मुझे। तो इलाहाबाद में सेंटर डाल देता था, तो मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, करीब ये बात है 2016 की है ना। तो मैं गया यहाँ एग्ज़ाम देने, तो दिल्ली के लड़कों की एक हनक होती थी कि अरे दिल्ली से आए एग्ज़ाम, सब पता चल जाता था कि ये दिल्ली वाले हैं। तो गया तो वहाँ मैडम लोगों की ड्यूटी लगी थी, तो लिखने लगा। तो देखा मैंने मैडम जी को, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर थोड़ा सा दया उनको आई, काइंडनेस दिखाया उन्होंने मेरे ऊपर। इधर से लेना चाहिए फर्स्ट नंबर पे कॉपी, मेरे तरफ से स्टार्ट हुई, उन्होंने पीछे से स्टार्ट किया क्योंकि मैं लिख रहा था लगातार। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर पीछे से लूँगी तो 2-4 मिनट लड़के को जो है मिल जाएगा और कर लेगा ये। और धीरे धीरे उधर से लेते हुए आए, धीरे धीरे। कुछ लड़कों ने अपोज भी किया कि आप आगे से नहीं ले रही, कहीं मेरा मन हो जाओगे। उन्होंने मतलब 2-3-4 मिनट मुझे दे दिया। और देखो ये 2016 का वो है ना, लेकिन मुझे आज भी याद है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना एग्ज़ाम में कि ऐसे 2 मिनट मिल जाए, था क्या मिल गया है ना। तो ये ट्राइट वर्ड है, ट्राइट। ट्राइट का मतलब बहुत पुराना, घिसी पिटी चीज़ें, सबके साथ ऐसे होता है कि 2 मिनट और मिल जाए, है ना। एग्ज़ाम में ट्राइट टू राइट, ट्राइट से क्या है ट्राई, और ट्राइट राइट। एग्ज़ाम में लिखिए यहाँ पे, एग्ज़ाम में ट्राई टू राइट, एग्ज़ाम में ट्राई टू राइट। दिस इज ट्राइट, दिस इज ट्राइट। ये क्या है ट्राइट है। बहुत घिसी पिटी बात है, बहुत पुरानी बात है, बड़ी जीर्ण सी बात है ना ट्राइट। इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज एज ए एडजेक्टिव किया जाता है। कैसे? एज ए एडजेक्टिव। इसका यूज कैसे होता है? एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडजेक्टिव इसका यूज होता है ट्राइट का, है ना। ट्राइट का यूज कैसे होता है? एज ए एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ हैकनीड का मतलब क्या होता है। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ हैकनीड। देखें भाई, हम ऐसे बीच बीच में ना पूछ के जानते रहते हैं कि लोगों को याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। हैकनीड बताओ भाई, विपिन जी बताओ फटाफट, हैकनीड का मीनिंग क्या होता है? हैकनीड, हैकनीड, HACKNEYED, हैकनीड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिविया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। 2-3 वर्ड इसमें बहुत ही लगातार इंपॉर्टेंट आ गए हैं। ट्रिविया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रिविया। ट्रिविया बताओ भाई, पाठक जी हमारे कहाँ गए भाई? बताओ सब लोग। हैकनीड, घिसा पिटा सब आता है भाई, वाह। क्या वर्ड है ट्रिविया। ट्रिविया का मतलब भी यही होता है हल्का, बहुत हल्का, कोई मतलब ना हो जिसकी बात का, है ना। हल्का, छोटा मामला, छोटा मामला। छोटा मामला, ये जो पूछता हूँ बार बार ना, बहुत पुराना, हाँ सही है। ये जो बार बार पूछता हूँ इसका सिर्फ एक मतलब है पूछने का ना, कि आप लोगों को याद हो जाए, अगर ना याद हो तो फिर से याद हो जाए, याद हो दिमाग में ना आ रहा हो तो रिपीट हो जाए। ऐसे 4000 वर्ड करते करते ना एक एक वर्ड 10-10 बार बोर्ड पे आ जाता है। एक एक वर्ड 10-10 बार बोर्ड पे लिखा मिल जाता है। आधा तो क्लास में ही बिना घर पे रिपीट किए याद हो जाता है, बस देखते रहना है। इसीलिए यहाँ पर इतना सिनोनिम्स लिखते हैं। अब देखो ये ट्राइफल वर्ड है ना, ट्राइफल। मेरे ख्याल से आप लोगों को हम ट्राइफल पढ़ा चुके हैं, अभी तुरंत पढ़ाया हूँ। राइफल तालिबान में क्या है? ट्राइफल है। एक बार देखने की जरूरत, देखो अपने आप याद हो जाता है। देखो ये आया घिसा पिटा, सही बात है। आप एक एक वर्ड को देखोगे ना 10-10, 15-15 बार आता है। देखो ट्राइफल, स्मॉल बियर, अपने आप पता चल जाता है, ठीक। तो ट्रिविया क्या है? हल्का या कोई छोटी बात, हल्का मामला, है ना, ट्राइफल। तो दिव्या भारती को सब लोग जानते होंगे ना, सुपरस्टार हीरोइन थी अपने टाइम की। तो दिव्या भारती की बहन का क्या नाम था? अरे चलो थैंक यू। दिव्या भारती की बहन का क्या नाम था? ट्रिविया। ट्रिविया से क्या मिला? दिव्या। दिव्या, दिव्या भारती की सिस्टर का नाम क्या है? ट्रिविया है। क्या नाम है? ट्रिविया है। क्या मतलब किसी को कि उसकी बहन का क्या नाम है? कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जानना जरूरी है, हैं? तो ये कैसी बात है? हल्का मामला है, बहुत छोटी सी बात है। दिव्या भारती की बहन का नाम क्या है? ट्रिविया है। बहुत हल्की बात, बहुत छोटी बात। अनइम्पॉर्टेंट मैटर, डिटेल्स आर इंफॉर्मेशन। बी स्पेंट द होल इवनिंग डिस्कसिंग डोमेस्टिक ट्रिविया। पूरा शाम जो है डोमेस्टिक मामलों में डिस्कस करने में ख़त्म कर दिया, घरेलू चीज़ों को बतियाने में पूरा टाइम खराब कर दिया। तो ये क्या है? ट्रिविया है। लेकिन अब तो समस्या है, अब ये ट्रिविया नहीं है, अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर घरेलू बातें ना बतियाओ अरे तो फिर तो मत पूछो हाल। हम तो इसीलिए डांटे जाते हैं कि हम कहते सुनते ही नहीं हो मेरी बात, अब क्या सुने हैं हमारे यहाँ तो बड़ी समस्या, कहते हमारी बात ही नहीं सुनते हो। अब कहते तो सब्जी में नमक कम ज़्यादा डाला, ज़्यादा डालें, अरे डाल दो ठीक ठाक, हम क्या बताएं उसमें हैं तो ये सब ट्रिविया बातें हैं, है ना। लेकिन घर में, घर के लिए ये सब बातें ना पार्लियामेंट की बातें हैं, कभी आप लोग इसको ट्रिविया मत समझना जो लोग व्यू कर रहे हो, है ना। आप लोग इसको ट्रिविया मत समझना, नहीं तो फिर मार पड़ेगी। घर के लिए ये सब बहुत अच्छी, मतलब बहुत गहराई वाली बातें, फिर डेप्थ वाली बातें हैं, ट्रिविया नहीं है, है ना। इसीलिए वो बेचारे जो है लिख रहे हैं ट्रिविया। ट्रोथ, देखो ये ट्रोथ है, है ना। ट्रोथ, ये रिंग सेरेमनी में जो रिंग पहनाते हैं ना, जमाने का बदलाव है। अब तो जो है हमारे, मतलब हर जगह, क्या हमारा एरिया, पहले तो है, पहले लोग लड़की ही नहीं देखते थे, फिर लड़की का देखने का फैशन चालू हुआ, फिर लोग पैसा देना शुरू किए लड़की दिखाई में, पैसा ख़त्म हुआ, फिर सोने की अंगूठी, और अब लड़की देखने के पहले ही गांव वाले पूछने लगते हैं कि अंगूठी किसकी बनवाए हो, डायमंड की है कि नहीं है, हैं। अब तो डायमंड की अंगूठी चाहिए सबको, है ना। और लड़कियां तो आजकल, मतलब वो भी पूछ लेंगी डायमंड भी है तो किस कंपनी के लिए हो, तनिष्क का है कि कल्याण का है कि किसका है, है ना फैशन चल गया है भैया, लड़कियों का ज़माना आ गया है। चलो खैर, होना भी चाहिए, हंसी मजाक की बात है, लेकिन अच्छा आजकल है। अब गोल्ड की अंगूठी कम ट्रेंड में है, अब लोग डायमंड की अंगूठी ज़्यादा पहनाते हैं। तो ट्रोथ है ना, ट्रोथ वर्ड वहीं से लिया गया है। जब तक शादी ना हो जाए ना, रिंग सेरेमनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कि करना चाहिए वचन, ट्रोथ का मतलब क्या होता है? वचन, वादा, है ना, वचन या वादा एकदम सही बात सही बात है। ट्रुथ में कोई ट्रोथ नहीं है, है ना। ट्रोथ, ट्रुथ, ट्रुथ में कोई ट्रोथ नहीं है। क्या नहीं है? कोई ट्रोथ नहीं है। हम तो सब होटल होटल बुक करा दिए थे, तब भी लोग जो है तब भी हमारे ऊपर डाउट था सबको। जब जो, मतलब वहाँ कौन सा, इलाहाबाद में जो है प्राइड इन होटल, प्राइड इन होटल में हमने जो है अपना शादी हुई थी हमारी। कोरोना में ज़्यादा लोग जा नहीं पाए थे, तो ये बहुत तगड़ा कोरोना था, उसमें 20-30 का ही लिमिट था, लेकिन खींच खाच के 50 लोग हो गए थे, बड़ी 50-60 हो गए थे, बड़ा मुश्किल था जाना। तो हम तो होटल होटल सब बुक करा दिए थे साथ में ही जाके कि हाँ भैया देख लो हो जाएगी, तब भी लोगों को विश्वास नहीं था ट्रैफिक में गाड़ी थोड़ा हमारी फंस गई और सब विश्वास सबका पक्का हो गया कि लग रहा आएंगी नहीं, है अरे नहीं, सब सही है। जो लोग जो है अब अंगूठी उंगूठी पहना देंगे, वो करेंगे ही शादी, डरना नहीं चाहिए, है ना। वैसे भी हम कहते हैं खुश रहो डरो नहीं, लेकिन लोगों को डाउट होता था फेथ आर लॉयल्टी व्हेन प्लेस्ड इन ए सोलम एग्रीमेंट आर अंडरटेकिंग। जब वही बता रहे ना, जो रिंग सेरेमनी वगैरह होती है, उसके लिए ट्रोथ वर्ड यूज किया जाता है, है ना। ट्रोथ, ट्रफ, ट्रफ, ट्रीजन, ट्रेजन, क्या है? ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है ना विश्वासघात, ट्रिजन का मतलब क्या होता है? विश्वासघात करना। ये देखो ज़्यादातर एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए यूज किया जाता है ना, विश्वासघात करना। देखो यहाँ पे कैसे ट्रिजन है, ये गर्लफ्रेंड है बेचारी, देखो ये गर्लफ्रेंड है, ये हैं, और इसको लग रहा है कि मेरा दोस्त मुझे कितना मानता है। देखो ये दोनों लोग बेचारे गले पे गले मतलब रखे बैठे हैं, हैं। और ये देखो बहन जी जो है, ये देखो अपना इनसे अलग से दोस्ती हो गई है ना। बड़ी अच्छी इमेज मिल गई थी, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये दिल्ली में जो है अक्सर पार्क में, मतलब ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन अच्छा पार्क में लोग ऐसे बैठे रहते हैं। मतलब आप आएंगे, जितने भी पार्क हैं यहाँ, रोज़ गार्डन, हौज खास वगैरह जितने भी हैं, आप घूमने जाओगे तो यहाँ के लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ है। हमारे यूपी में ऐसे बैठ जाओगे तो मर्डर कर देंगे लोग। कहीं हमारे एरिया में अगर ऐसे कहीं खुले खाम बैठ गए, दौड़ा लेंगे लोग, अरे इनको देखो बैठ गए। यहाँ ऐसी बात नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हैं। हैं, डायलॉग बहुत देंगे हमारे यहाँ, ऐसे वहाँ घूम रहे थे वैसे, लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ बैठ सकते। देखो ये यहाँ इनके साथ ये गले लगे और इनके साथ ये, तो क्या है ये? ट्रिजन है। देखो फोटो से ही याद हो जाएगा, है नहीं, कभी भूलेगा ही नहीं। ट्रिजन, विश्वासघात करना, ट्रिजन विश्वासघात करना। बिना रीजन के अपनी कंट्री में ब्लास्ट करवा दिया। ट्रीजन से क्या मिला? रीजन। तो बिना रीजन के, लिख लो आप लोग, बिना रीजन के अपनी कंट्री में ब्लास्ट करवा दिया, अपने ही देश में ब्लास्ट करवा दिया, तो क्या है? ट्रीजन है, विश्वासघात कर रहे हैं लोग। बिना रीजन के कंट्री में ब्लास्ट करवा दिया तो क्या है? ट्रीजन है, विश्वासघात करना, है ना। द क्रिमिनल एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू योर कंट्री, अपने देश को जो है नुकसान पहुंचाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बाई हेल्पिंग द एनिमीज, अपने शत्रु को सपोर्ट करना और अपने देश को नुकसान पहुंचाना, इसके लिए क्या होता है? ट्रिजन का प्रयोग किया जाता है, विश्वासघात करना, है ना। देशद्रोही क्या बोलते हैं? देशद्रोही। ये तो इमेज लगा दिया हूँ केवल, है ना, ये लॉयल नहीं है, लेकिन अच्छा देशद्रोही होता मेन मतलब, देशद्रोही या विश्वासघात करना। क्लियर हुआ? ट्रंकेट, नेक्स्ट वर्ड है ट्रंकेट। आज बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड था और बड़ा अच्छे से आप लोग समझे भी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है ना, काट कर छोटा कर देना। देखो ये बक्से पहले के ज़माने में ना, अब तो खैर काट कर छोटा कर देना, काट कर छोटा कर देना, काट कर छोटा कर देना, ट्रंकेट, है ना। तो पहले, अभी भी जो है जब शादी में विदाई उदाई होती है ना, तो बड़ा सा बक्सा देने का फैशन, अब तो खैर जब से ये सब चल गई है दुनिया की अटैची तरह तरह की, वो सब देने लगे, लेकिन पहले बक्से ही दिए जाते थे। आज के 10-15 साल पहले ना बड़े बड़े ट्रंक टाइप के, मतलब 6-6 फीट के बड़े बड़े बक्से दिए जाते थे, है ना। तो ये बोलते हैं ट्रंकेट। तो ट्रंक को काट के, लिखिए, ट्रंक को काट कर ट्रंकेट कर दिया, छोटा कर दिया। ट्रंक को काट कर क्या कर दिया? ट्रंकेट कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक, लिख लो आप लोग, काट कर छोटा कर देना, ट्रंक को काट कर ट्रंकेट कर दिया, छोटा कर दिया। एज ए वर्ब यूज करते हैं इसको, कैसे? एज ए वर्ब, ट्रंकेट, ट्रंक को काट कर ट्रंकेट कर दिया, छोटा कर दिया। देखो ये एब्रीविएट, अब एट नहीं करते हैं, ए बी में पढ़ेंगे, अब जो है एट नहीं करते हैं तो कैसे हो गए हैं? अब्रीविएट हो गए हैं, घट रहे हैं ये, ठीक है, अब्रीविएट। तो ट्रंक को काट के क्या कर दिया? ट्रंकेट कर दिया। देखो ये पहले बड़ा बक्सा रहा होगा, इसको काट के ट्रंकेट कर दिया, छोटा कर दिया। एकदम क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? देखो इंग्लिश में ना दो ही पार्ट हैं, उसी दो पार्ट को 15-20 तरीके से लोग लिख देते हैं। ठीक, इंग्लिश में ना केवल दो पार्ट हैं मेरे समझ से, जितना मुझे मतलब मिला, एक वोकैब और एक ग्रामर। अब देखो वोकैब अगर किसी को आता है, अगर शब्दों का ज्ञान हो गया, शब्द ज्ञान, तो उसे इंग्लिश जान लो आ गई। हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, कितने लोगों को हिंदी पता है बताओ? मुश्किल से 3% लोगों को हिंदी नहीं पता है अगर हिंदी ग्रामर की बात की जाए, है ना। अगर अभी हिंदी ग्रामर की बात की जाए तो आप लोगों को 3% लोग जो हैं उन्हें हिंदी ग्रामर नहीं पता है। ये नहीं बता सकते लड़के ना कि हिंदी में कितने वावेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़कों को नहीं पता होगा, और तो बातें छोड़ दो। हैं कितने द्विगुण व्यंजन होते हैं, अगर किसी लड़के से पूछो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं और कहाँ कहाँ से कौन से वर्ड निकलते हैं, जा कहाँ से निकलता है, ता कहाँ से, मुंह में किस किस जगह से, तालु से कौन वर्ड निकलते हैं, तालब्य से कौन निकलते हैं, तो नहीं बता पाएंगे लड़के। लेकिन हिंदी शब्द का ज्ञान है, उन्हें पता है कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है, उन्हें पता है ये बुरा है तो ये बुरा है। उसी शब्द के ज्ञान से कोई लड़का कभी हिंदी में अपने आप को वीक नहीं समझता, कोई भी स्टूडेंट हिंदी में अपने आप को वीक नहीं समझता, उसे ग्रामर भले ना पता हो। अगर प्योर ग्रामर का एग्ज़ाम हो जाए हिंदी में, आप लोगों को बताएं अपने घर की एक कहानी। हमारी जो मैडम जी हैं ना, जो पहले एक बार पीजीटी का फॉर्म निकला था यहाँ हरियाणा में लेक्चरशिप का, ये बहुत पुरानी बात है 2012-13 की, तो हमारे एक मित्र थे और सब लोग, तुमने कहा तुम भी भर दो, तो कहा भर दिया। उसमें हुआ क्या, हमने कहा भाई सब पढ़ लेना, हिंदी भी पढ़ लेना आप लोग। 30 क्वेश्चन हिंदी के आने थे, 90 क्वेश्चन जिसका सही होता उस समय उसको जो है लेक्चरशिप के लिए, उसका क्राइटेरिया ही था कि 90 सही कर दो लेक्चरशिप ज्वाइन कर लो। हरियाणा में निकला था, भरा दिया। और हिंदी में कहते रहे, अरे कौन सुने, हिंदी कहाँ पढ़ेंगे बे, हिंदी में कितना आएगा। फाइनली हिंदी में मिला 12 नंबर, 30 में 12, और टोटल मिला 88। अब आप बताओ अगर ये 12 के बजाय 20 होता तो 2012 में, खैर आगे जो भी अच्छा ही हुआ जो हुआ। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि हिंदी में स्थिति ये है स्टूडेंट की कि हिंदी ग्रामर सबको नहीं आती है ना। हमारे एक मित्र थे यशपाल जी, उनका भी यही हाल हुआ था, हिंदी पढ़े ही नहीं लोग और 10-12 में टिक गए सब, और बाकी फिजिक्स में दबा दबा के नंबर सब लिए अपने अपने सब्जेक्ट में, जिसका जो सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब में नंबर पाए अपने सब्जेक्ट में, लेकिन हिंदी में नहीं पाए। लिहाजा क्या हुआ, कोई 2 नंबर से कोई 1 नंबर से सबका लेक्चरशिप चला गया। तो इसलिए शब्दों का ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ड आ गए, भाषा अपने आप समझ में आ जाती है। कितना ग्रामर है, 4-6 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ने में कितना दिन लगेगा। इस स्तर के लड़के हैं यहाँ पे, सब BSc, MSc, BSc, BA, MA सब हैं, 1 महीना पढ़ के ग्रामर कर लेंगे। लेकिन शब्द से सब लोग परेशान रहते हैं, वर्ड ना पल्ले नहीं पड़ता, जो वर्ड है ना ये पल्ले नहीं पड़ता, और लड़के वर्ड को कुछ समझते भी नहीं हैं। स्टूडेंट को वर्ड पढ़ाओ ना, चूँकि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट दिमाग में भर दिए ना कि वर्ड तुम्हें याद ही नहीं हो सकता। वो कहेंगे 6 लाख वर्ड हैं, अब वो डर जाएंगे 6 लाख। अरे हमें 6 लाख का क्या करना, हमें तो मतलब उतने वर्ड से है जितना वर्ड हमें हमारे इंडिया में जानना है, पूरे वर्ल्ड स्तर पे जितना लोग जानते उससे मतलब है। 6 लाख है, उसे हमें क्या करना, हमें कहाँ शेक्सपियर बनना, कालिदास बनना। लेकिन सब लोग उसी में कंफ्यूज रहते हैं और समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रंकेट। ट्रंकेट करा दिया ना, देखो ये है ट्रिस्ट, ट्राइस्ट, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिस्ट बोलेंगे, ट्रिस्ट। आज लंबी क्लास हो गई, अब 1.5 घंटे की क्लास चलेगी 15 तारीख के बाद। थोड़ा सा सिलेबस खिंच जाए ना, नहीं बहुत धीरे धीरे चल रहा है ये। इसको ट्रिस्ट पढ़ते हैं लोग, ट्रिस्ट, क्या पढ़ते हैं, ट्रिस्ट, है ना। ट्रिस्ट का मतलब होता है ना छिपके मिलने का स्थान, जहाँ लोग छिपके मिलने जाते हैं उसे ट्रिस्ट बोलते हैं। छिपकर मिलने का स्थान, छिपकर मिलने का स्थान, छिपकर मिलने का स्थान, है ना, ट्रिस्ट। देखो ये लड़की है बेचारी, अपने दोस्त के साथ बैठी है, ठीक, फोटो से ही देखो याद हो जाए कितना अच्छी इमेज है। अपने दोस्त के साथ बैठी है, अब सामने से इसके जान पहचान वाला कोई आया होगा, फट से इसने मुंह पीछे कर लिया, है ना। कितनी अच्छी चीज़ है, ये भी उम्र बड़ी अच्छी होती है नहीं, ट्रिस्ट है ना। अब मुंह पीछे कर लिया, अब वो घर वाले चले गए, फिर अपना बैठे हैं आराम से, है ना। छिप के बैठना, ट्रिस्ट, छिप कर मिलने का स्थान। तो जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखिए, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे ट्रस्ट होगा उसी के साथ तो लोग ट्रस्ट करेंगे। जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसी के साथ ट्रस्ट करते हैं, TRYST, ट्रस्ट करते हैं, है ना। जब ट्रस्ट है तभी तो मिलने जा रहे हैं। चोरी पकड़े हाँ सही बात है, चोरी पकड़ी गई है। ट्रस्ट तो देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पढ़ते हैं रानजीवस और असिग्नेशन। ये आर में आएगा, इसकी स्पेलिंग बड़ी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन इसका बड़ा अजीब सा है, RENDEZBOUS, रानजीवस बोलते हैं इसको। चोरी पकड़ी गई है हाँ तो ये है ट्रिस्ट। तो आज जो है 1.25 घंटे क्लास हो ही गई है और कल ये हो जाएगा कंप्लीट, है ना। मुश्किल से 10-15 वर्ड हैं इसमें, उसके बाद कल न्यूज़पेपर वर्ड, द हिंदू के वर्ड सारे ले आऊँगा, कल टी कंप्लीट। और आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि कल टी रिपीट करके आज जो है, त्यागी जी हमारे जुड़े, बहुत लेट करके आते हैं भैया आप लोग, आभास जी, हाँ आभास जी। करीब देखो 1.25 घंटा क्लास हो गई है ऑनलाइन के लिए, जो है इतना लगभग पर्याप्त है, सफिशिएंट क्लास है। 15 के बाद से करीब 1.5 आवर की क्लासेस चलाऊंगा इसको, 2:15 से 4, 3:45 तक। तो आप लोग जो है वर्ड टी की एक बार देखना, रिपीट करना, कल सारे जितने रिमेनिंग 10-15 वर्ड और जितने छोटा छोटे वर्ड वो सब करा के, और परसों SSC, बैंक, CDS और NDA सारे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ लेके आऊँगा। आप लोगों को खुद करना है, जितने लोग व्यू किए हैं पूरे टी वर्ड को उनको खुद करना है, जो नहीं व्यू किए हैं वो भी क्लास में आएंगे, उनको मैं बताऊँगा। लेकिन आप लोग देखना कि जो लोग क्लास किए हैं वो लोग कितने अच्छे से उसको जो है रिप्लाई करेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट 10 ईयर्स के सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स, NDA, CDS, बैंक और SSC के यहाँ पे वेडनेसडे को होगा, है ना। और कल जो है बाकी रिमेनिंग वर्ड हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर हो रही है। कल फिर 2:15 पे टाइम से आप लोग जुड़ जाइएगा और सब लोग शेयर करो अपने दोस्तों को, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। डॉक्टर JM इंग्लिश क्लासेस, ठीक है त्यागी जी, कल टाइम से आप 2:15 पे जुड़ जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी जो और पढ़ना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं डॉक्टर JM इंग्लिश क्लासेस के। थैंक्स व्यूअर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट डे मिलते हैं।